गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयातून सांगतो ना मी तुम्हाला, पहा ना तुम्ही महाराष्ट्र में एक विधायक सत्ताधारी पार्टी गणपत गायकवाड़ मुख्यमंत्री शिंदे के घर के सामने उनके जिला में पुलिस स्टेशन में फायरिंग करता है, अंधाधुंध 10 राउंड फायर करता है, 2 लोग जख्मी होते हैं, कहाँ है कानून करा? विधायक फायरिंग करता है और विधायक ये बोल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का जिस पार्टी का गृहमंत्री है वो बोल रहा है कि ये फायरिंग मैं मुख्यमंत्री शिंदे की वजह से कर रहा हूं, ये फायरिंग के लिए मुझे मुख्यमंत्री शिंदे ने मजबूर किया है, महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है। ये विधायक गायकवाड़ बोल रहा है कि अगर शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे इस राज्य में तो इस राज्य में सिर्फ गुनेगार पैदा होंगे, सिर्फ गुंडे और माफिया पैदा होंगे, ये सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक बोल रहा है जो मुख्यमंत्री शिंदे के गृह जिले से है। ये कानून का राज है, हाँ बोलिए ना फडणवीस जी, आप आकर बोलिए सामने क्या सच है। आप अभी किसको बचाने जाएंगे? हमारे ऊपर आप पुलिस भेजते हो, हमारे ऊपर रेड्स करते हो, तो आप क्या है, इस राज्य की स्थिति क्या है? अगर हिम्मत है तो सख्त कानूनी कार्रवाई करके दिखाइए, बोलिए। हाँ माफिया को बाहर निकाला जा रहा है चुनाव के लिए, चाहे मुंबई हो, चाहे ठाणे हो, चाहे पुणे हो, सबका हिसाब मैं दे रहा हूं अभी जल्दी ही, सबका। बड़े बड़े माफिया जेल से छोड़ रहे हैं ये लोग और उसका संगठन बना रहे हैं, सीक्रेट संगठन हमारे खिलाफ चुनाव में यूज करने के लिए। ये सब जो बातें हैं भ्रष्टाचार की, माफियागिरी की बातें कौन कर रहा है? बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। संजय केलकर जो थाने से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, गणपत गायकवाड़ जो कल्याण से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और भी बहुत से विधायक है बीजेपी के, वो खुले खुले आम बोल रहे हैं कि ये शिंदे के लोग और उनकी सरकार, गैर कानूनी सरकार, किस तरह से इस राज्य में कानून की दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। अरे क्या चर्चा कर रहे हो, क्लीन चिट देंगे और क्या देंगे? जैसे आपको क्लीन चिट मिला है, ये तो क्लीन चिट का घोटाला है ना, इस राज्य में आजकल क्लीन चिट का घोटाला चल रहा है। गुंड बलात्कारी सभी को क्लीन चिट, भ्रष्टाचारी सभी को क्लीन चिट, और क्या है सर? राजन साल्वी के होने दो, होने दो। अजीत पवार को क्लीन चिट मिलती है लेकिन राजन साल्वी को एंटीसेमिट्री बिल नहीं मिलता है। 70,000 करोड़ के घोटाले में महाराष्ट्र के मंत्री को क्लीन चिट दी जाती है, 1,000 करोड़ के घोटाले में जो लोग फंसे हैं वो महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री है, लेकिन एक विधायक है राजन साल्वी जो विपक्ष में है उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता, ये इस राज्य का कानून है, समझा? तो ममता बनर्जी का बयान आया कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी लोकसभा में, ठीक है बोलने दो, बोलने दो। मुझे लगता है कांग्रेस को इस चुनाव में 150 सीटें कम से कम मिलेगी, ये हमारा अनुमान है। और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है, ये बात अगर ममता जी ने की है तो वेस्ट बंगाल के बारे में की होगी कि कांग्रेस को वहां 40 सीटें नहीं मिलेगी, ये सच है, वहां 40 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है। हाँ मैं डोंबिवली कल्याण में जा रहा हूं जहां कल फायरिंग हो गया है, मुझे भी देखना है क्या मैं जाऊंगा तो मेरे पे फायरिंग हो, कोई लोग करने वाले हैं क्या? मुझे बोल रहा थे कोई लोग कि आप मत आइए, बोलो हम जा रहे हैं करो फायरिंग,
हमारी शाखाओं का उद्घाटन है और भी बहुत से कार्यक्रम। डोंबिवली कल्याण भागामध्ये आज आमचा दौरा आहे, मी जातो आहे, काही शाखांची उद्घाटन आहे, इतर काही कार्यक्रम आहेत, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं काही सोहळे आहेत। कालच तिथे अंदाधुंद गोळीबाराची घटना झालेली आहे। मला काही लोकांनी सुचवलं की आज शक्यतो येऊ नका, वातावरण तणाव आहे, म्हणजे काय करणार, आमच्यासाठी गोळीबार करणार का तुमचे लोक, करू द्या म्हटलं, आम्ही येतो, आम्ही कार्यक्रम करू, तुम्ही आपापसात एकमेकावर गोळ्या चालवा, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत तुमच्या नावानं भजन करायला।